નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આશા રાખું છું તમે સૌ કુશળ હશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 6 સુનામ છે સાત સબ્જી એટલે કે સાત ભાર જે તો આપણે તેના વિશે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગે અમે चैप्टर नंबर 5 के बारे में अभ्यास किया था जिसका नाम था मेरा मित्र એટલે કે મારો મિત્ર. તો આપકો વક યાદ રહે ગયા હોગા કે ઇસમેં કોણ કોણ થે? એક લડકા થા. લડકે કા નામ ક્યા થા? ગોપાલ થા. તો જો ગોપાલ થા વ કેસા લડકા થા? ચતુર લડકા થા. ઉસકો હર્ષદ ક્યા મિલતે થે? इनाम मिलते थे. किसमें इनाम मिलते थे? पढ़ाई में. तो वह एक चतुर लड़का था, यानी कि वह होशियार लड़का था. उसको हर साल इनाम मिलता था. फिर उसको क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया. वह क्रिकेट टीम का क्या था? कप्तान था. और वो क्रिकेट टीम में कैच लेने में कुशल था, यानी कि कैच लेने में वह माहिर था. तो आपको पता चल गया होगा, आपने घर पे अच्छी तरह से अभ्यास किया होगा. तो आज हमको चैप्टर नंबर 6 सात सब्जी के बारे में अभ्यास करना है. तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी मम्मी रसोई घर में अलग अलग तरीके के रसोई बनाती है, यानी कि खाना पकाती है. तो क्या आपको सभी सब्जी अच्छी लगती है? नहीं, सबको सभी सब्जी अच्छी नहीं लगती, यानी कि सभी सब्जी पसंद नहीं आती. तो किसी को यह सब्जी पसंद हो, किसी को वह सब्जी पसंद हो, तो मम्मी भी थक जाती है ना. तो आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है? पसंद है सभी सब्जी? नहीं. तो आज हमें ऐसी ही सब्जी के बारे में, यानी कि सात सब्जी के बारे में पढ़ना है. आपको पता है सब्जी के नाम कौन कौन से नाम है? आप खाना खाते हो तो आपकी मम्मी कोई और सब्जी बनाती है जो आपको पसंद नहीं है, तो वह आप क्या करते हो? खाना नहीं खाते हो ना. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सभी सब्जी खानी चाहिए, है ना. हमें सभी सब्जी अच्छी लगनी ही चाहिए और वह खानी चाहिए. तो आपके पुस्तक में पेज नंबर 17 पर आपको सब्जी की चित्र दिए है. देखो पेज नंबर 17 पे अलग अलग तरीके की सब्जी है जो आपको चित्र दिए है, और उसके नीचे आपको गुजराती और हिंदी में नाम लिखे है, यानी कि जो आपको चित्र दिए है सब्जी के, वह सब्जी कौन सी है और उसको गुजराती में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, इसके बारे में हमें आज अभ्यास करना है. तो विद्यार्थी मित्रों, हम शुरू करते हैं. तो आपके पुस्तक में पहली सब्जी का चित्र है, क्या है? मूली. क्या है? मूली. तो ये एक ऐसी का चित्र है मूली का. तो मूली, तो हिंदी माध्यम गुजराती में क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? मूड़ो. तो क्या कहेंगे गुजराती में? मूड़ो. हिंदी में हम मूली कहेंगे और गुजराती में मूड़ो कहेंगे. तो समझ में आया मूली मूड़ो. और आगे आपको दूसरा चित्र दिया है, वो चित्र क्या है? गाजर. तो गाजर का रंग कैसा होता है? लाल. कैसा होता है? लाल. गाजर तो सबको अच्छे लगते हैं, है ना. आप सब खाते हैं ना गाजर.
देखिए हिंदी में भी गाजर, गुजराती में भी गाजर, दोनों सेम है। देखा गाजर गाजर, तो समझ में आया। अब आगे आपको तीसरा चित्र दिया है पुस्तक में कि पंता है आलू, पंता है आलू, आलू की सब्जी भी सबको अच्छी लगती है ना, आप सबको भी आलू पसंद है ना। तो यहाँ पे हमें चित्र दिया है आलू, तो आलू को हम गुजराती में क्या कहेंगे, कौन बताएगा? आलू को गुजराती में क्या बोलते हैं? बटाटा। तो हम क्या बोलेंगे? बटाटा। हिंदी में आलू और गुजराती में बटाटा। अब आपको आगे रंग का होता है लाल। टमाटर सबको पसंद
मिर्च तीखी लगती है ना। मिर्च कैसी है स्वाद में? तीखी है। तो मिर्च, मिर्च को हम गुजराती में क्या बोलेंगे? मरचू। मिर्च, मिर्च को हम गुजराती में मरचू बोलेंगे। मिर्च मरचू। अब आगे है करेला। करेला शब्द सुनते ही आपके आपका जो मुंह है वह कड़वा होने लगेगा, है ना? क्योंकि करेला सबको पसंद नहीं है। करेला का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, इसलिए हमें करेला पसंद नहीं है। तो करेला को हम गुजराती में क्या बोलेंगे? करेला, करेलू। तो समझ में आया मित्रों, यह हमारे सब्जी के चित्र थे। तो अब हम फिर से देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला चित्र कौन सा है? मूली। तो मूली को हम गुजराती में क्या बोलेंगे? मूड़ो। मूली मूड़। फिर है गाजर। तो गाजर को हम हिंदी में गाजर बोलेंगे और गुजराती में भी गाजर, गाजर, गाजर। अब आगे है आलू। कौन सा चित्र है? आलू। तो आलू को भी हम हिंदी में क्या बोलेंगे? आलू। और गुजराती में बटाटा। बटाटा ने हिंदी में शू कहवाय? आलू। अने आलू ने गुजराती में शू कहवाय? बटाटा। अब यहाँ पे चित्र दिया है हमको मटर। कौन सा चित्र? मटर। तो मटर को गुजराती में क्या बोलेंगे? वटान। क्या बोलेंगे? वटाना। और वटाना को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मटर। हिंदी में मटर और गुजराती में वटाना। अब आगे चित्र दिया है बंद गोभी का। तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे? बंद गोभी। और गुजराती में गोभी। गोभी को हिंदी में बंद गोभी बोलेंगे और बंद गोभी को गुजराती में गोभी बोलेंगे। अब आगे हमें चित्र दिया है फूल गोभी। इसका चित्र दिया है फूल गोभी। तो फूल गोभी को हम गुजराती में फूलगोभी बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? फूल गोभी। अब आगे हमें चित्र दिया है लौकी। क्या? लौकी। तो लौकी को हम गुजराती में क्या बोलेंगे? दूधी। और दूधी को हिंदी में क्या बोलेंगे? लौकी। अब आगे दिया है बैंगन। क्या दिया है? बैंगन। तो बैंगन को हम क्या बोलेंगे गुजराती में? रींगन। और रींगन को क्या बोलेंगे? बैंगन। फिर दिया है भिंडी। कौन सा चित्र? भिंडी। तो भिंडी को हम क्या बोलेंगे? भिंडो। गुजराती में शू कहीशू? भिंडो। अने भिंडा ने आपने हिंदी में शू कहीशू? भिंडी। अब आगे है टमाटर। कौन सा चित्र? टमाटर। तो टमाटर को गुजराती में टमेटो बोलेंगे और टमेटो को हिंदी में क्या बोलेंगे? टमाटर। अब आगे कौन सा चित्र है? मिर्च। क्या है? मिर्च। तो मिर्च को हम हिंदी में मिर्च बोलेंगे और गुजराती में क्या बोलेंगे? मरचू। तो मरचू ने आपने हिंदी में मिर्च कहीशू और मिर्च ने आपने गुजराती में शू कहीशू? मरचू। और एक